राजन नायर सन 1970 के दशक की लगभग शुरुआत से सन 1983 में उसकी हत्या होने तक मुंबई का एक बदनाम अपराधी था। मुंबई के आपराधिक जगत, पुलिस विभाग और आम जनता में उसका चर्चित नाम था, बड़ा राजन। बड़ा राजन केरल से मुंबई आकर पहले विक्टोरिया रेलवे टर्मिनल में कुली बना, परंतु जल्द ही उसने वहां के सामानों में से चोरी करके अपने लंबे आपराधिक जीवन की शुरुआत की। बाद में उसने वह काम छोड़कर अपना आपराधिक दल बनाया और पूर्वी मुंबई के घाटकों पर, चैम्बूर और तिलक नगर आदि इलाकों में से अपने विभिन्न आपराधिक काम, विशेषकर तस्करी, अपहरण, व्यापारियों और उद्यमियों को अन्य आपराधिक दलों से बचाने के नाम पर उनसे वसूली और अन्य अपराध करने लगा। ऐसे ही अपराध करते करते सन 1983 में एक दिन एक अन्य विरोधी आपराधिक दल के सदस्यों ने बड़ा राजन की हत्या कर दी। बड़ा राजन नाम इसलिए क्योंकि उसका समकालीन और उसी के आपराधिक जीवन में शिष्य एक और नया कुख्यात अपराधी बना था। जी हाँ, राजेंद्र निकाल जी, और उसका चर्चित नाम भी राजेंद्र से बना हुआ राजन ही था और इसलिए उसे छोटा राजन कहा गया। बड़ा राजन की हत्या होने के बाद सन 1983 से उसका शिष्य छोटा राजन तत्कालीन एक अन्य कुख्यात और फरार अपराधी दाऊद इब्राहिम का पार्टनर बन गया और वह पार्टनरशिप सन 1992 में दाऊद के द्वारा मुंबई में करवाए गए भयंकर सीरियल बॉम्ब विस्फोटों के विरोध में छोटा राजन ने तोड़ दी और दाऊद का दुश्मन बन गया। छोटा राजन भारत में, विशेषकर मुंबई और विदेशों में भी अपराध पर अपराध करके बार बार दुनिया के विभिन्न देशों में छिप जाया करता था। उस पर तस्करी, चोरी और गंभीर अपराधों के अलावा 70 खून के मुकदमे भी दर्ज थे। उसे अंत में इंडोनेशिया पुलिस ने इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद 25 अक्टूबर 2015 को पकड़कर भारत को सौंप दिया और वह 27 साल तक फरार रहने के बाद अब नवी मुंबई की एक जेल में आजीवन कारावास भुगत रहा है।